बाबू चलो उठो उठो, सुबह हो गई है। मेरा बच्चा। हाँ रिया बोलो। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे रोहन का कॉल आया था, वो गुजरात टेलीकम्युनिकेशन वाले आपका वर्कशॉप शिफ्ट करने को कह रहे हैं। वो जुहू वाला ऑन दिस वीकेंड, राइट? यस मैम। और वो इस वर्कशॉप को एक महीने के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ तो जिया का बर्थडे है ना मैम। प्लीज रिया, उनको बोलो कि डेट चेंज नहीं हो सकते, मैं जिया को नाराज नहीं कर सकती। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, बाय। हाँ रिया बोलो। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात नेहा जी से हो रही है? राहुल जी बोलिए। अगर आप जोखिम नहीं उठाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होगा आपको। सॉरी, आप ही ने कहा था अपनी लास्ट वर्कशॉप में। बाय द वे, आई एम राहुल फ्रॉम टीपीएससी। आपकी लास्ट महीने एक वर्कशॉप हुई थी हमारे यहाँ, एज ए सीनियर डेवलपर मैंने अपने एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार देखा उस वर्कशॉप के बाद। थैंक यू, बट आपने कॉल क्यों किया था? एक्चुअली एक महीने से मैं आपको फोन करना चाहता था, लेकिन आज मैंने सोच रखा था कि आज नहीं तो कभी नहीं। पर बात क्यों करना चाहते थे? क्या ये सब बातें मैं आपको मिलके बता सकता हूँ? हम कॉफी पे मिल सकते हैं। आपको याद आया उस वर्कशॉप में मैं भी था। आई एम रियली सॉरी, मैं इतने लोगों से मिलती हूँ ना कि सारे फेसेस याद नहीं रहते। और मेरा फेस तो इस लाइक है भी नहीं कि आपको याद रह जाए। वैसे आप करते क्या है? मैंने कहा ना मैं सीनियर डेवलपर है नहीं था। आप ही के वर्कशॉप के बाद, आपकी स्पीच सुनने के बाद मैंने पेपर्स डाल दिए वहाँ। आपने कहा था रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, तो अभी मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। अर्जेंट है तो उठा लीजिए ना। नहीं नहीं, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता तो उठा लीजिए। लगता है किसी को आपकी ज़रूरत है, आप बात कर लीजिए। अब आप इतना कह रही हैं तो मैं बात कर ही लेता हूँ। वैसे ये मेरी वाइफ का कॉल है। वाइफ? सॉरी, एक्स वाइफ का, एक्स वाइफ। एक सेकेंड। हेलो, तुम्हारे लॉयर ने ज्वेलरी वाला क्लॉथ चेंज क्यों किया है? गाड़ी तुम रख रहे हो तो ज्वेलरी मैं रखूंगी ना। हाँ तो गाड़ी भी तो मैंने ही खरीदी थी ना। तो चलाते भी तुम ही थे ना। मैं गाड़ी नहीं ले रही हूँ ना, तो तुम ज्वेलरी कैसे मांग सकते हो यार? ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करके वो क्लोज हटाने के लिए बोलता हूँ। देखो, इसीलिए बात नहीं करना चाहता था मैं। एक्स वाइफ, छोड़ो वो बहुत लंबी कहानी है। दोबारा हम कभी फ्यूचर में मिले तो जरूर बताऊंगा इसके बारे में। अभी मैं अपने पास्ट पे नहीं, फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। बातें तो काफी अच्छी कर लेते हो आप, लेकिन आपसे अच्छी बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात तो सुनी भी नहीं आपने। मैंने आपकी बहुत सी बातें सुनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ, और आपकी वो IIT खड़गपुर वाली स्पीच तो मैंने इतनी बार सुनी है कि क्या कहूँ। आपकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है ना, कोई आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा स्टॉक किया, पर मैं वो गलती फिर से नहीं करना चाहता जो मैंने गलती पास्ट में की है अपने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी एक डॉटर भी है ना? हाँ, मेरी लाइफ है वो। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरा भी एक बेटा है आर्यन। हमारे डिवोर्स के बाद उसकी कस्टडी उसकी माँ को मिल गई, अब सिर्फ वीकेंड्स पे ही मिलना होता है उससे। तो अच्छा है ना, आर्यन को उसकी एक बहन मिल जाएगी। इस पहली मुलाकात के बाद नेहा राहुल पर भरोसा करने लगी, मुलाकातें बढ़ने लगी, और कुछ ही दिनों में नेहा ने राहुल को घर पर इनवाइट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday, Jia! Happy birthday to you! Thank you. May you have longest and happiest life ever. So sorry, थोड़ा सा लेट हो गया आज। मैं पता है ना, आज जिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन है। I know, बाबा, पर मैं क्या करता? बाहर बहुत ट्रैफिक था और मेरी फ्लाइट भी लेट हो गई आज। मुझे लगा था तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। अच्छा बाबा, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। जी हाँ, देखो ना तुम्हारी मम्मा कितना काम कर रही है और मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही है। मम्मा, जब राहुल अंकल नहीं आए थे तो आप उनके लिए कितना वेट कर रहे थे? अब वो आए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
जिया, मम्मा को मेरी तरफ से सॉरी बोलो ना, प्लीज। मम्मा, राहुल अंकल के दर से सॉरी। बहुत लेट हो गया है अभी, आप चेंज करो, जाओ मम्मी आती है। गिफ्ट? कल पक्का, जितना बोझ रहे। ये कंगन बहुत प्रेशियस है, ये मेरी दादी ने मेरी माँ को और मेरी माँ ने साक्षी को दिए थे। साक्षी को मैंने सारी ज्वेलरी दी थी पर ये कंगन नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे पता था इसकी असली हकदार एक दिन मेरी लाइफ में ज़रूर आएगी। कुछ नहीं नेहा, बस मैं तुम्हारी ज्वेलरी देख रहा था, बहुत प्रीटी है तुम्हारी तरह। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, लीव। अगर पुलिस को बुलाने की कोशिश भी की ना, तो अपनी और जिया दोनों की जान खतरे में डालोगी। तो चुपचाप बैठो यहाँ पे। राहुल क्या कर रहे हो ये? हेल्प, बचाओ! आज के इस डिजिटल दौर में हम अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ की जानकारी बिना सोचे समझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर देते हैं, और कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग उस जानकारी का गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें गुमराह करते हैं। नेहा जैसी सैकड़ों भोली भाली लड़कियां जो अकेलेपन की शिकार हैं, किसी के साथ की मोहताज हैं, अक्सर ऐसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाती हैं। किसी से दोस्ती बढ़ाने से पहले, उसे अपने घर में न्योता देने से पहले,
जरूरी है कि आप उनकी सच्चाई को जानें, उनके असली चेहरे को पहचानें, और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाएं, क्योंकि जरूरत है टू बी सेफ।